डेली करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ 12 सितंबर की देखेंगे। देखिए, दो न्यूज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो मोदीज़ एमबीज़ ड्रॉ इंडिया साउथ इन टू टाइटर स्ट्रेटजिक एम्बेरस। सऊदी अरब के साथ टाइटर रिलेशनशिप हुए हमारे। और महत्वपूर्ण खबर आपको पता जैसा होगी कि भारत ने पाकिस्तान को एक विशाल रन रेट से हरा दिया। ठीक, तो ये दोनों चीज़ खबरें हम कवर करेंगे, साथ में कुछ हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए पहले क्रिकेट देख लेते हैं। 11 सितंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा, जिसमें भारत ने एक विशाल रन से पाकिस्तान को हरा दिया। 228 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। इंडियाज़ विनिंग मार्जिन इन टर्म्स ऑफ रन्स विच बिगेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन ODI बैटिंग। अब विराट कोहली का आप ये देखिए ग्राफ देख सकते हैं, उन्होंने 278 मैच खेले हैं और उनके रन है 13,024 उन्होंने रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर का देख सकते हैं आप, स्कोर कार्ड हम आपको दिखा देते हैं। विराट कोहली के 100 हुए हैं, एवरेज उनका 57.62 है बैटिंग रन रेट, और 50 पूरी की है। स्ट्राइक रेट उनका 93.85 है। उन्होंने कुल 278 मैच खेले हैं। बहुत ऐतिहासिक जीत है, तो इस जीत का श्रेय उनको भी जाता है उनकी टीम के साथ। एक विशाल उपलब्धि विराट कोहली की, साथ में आप इस कॉलम में देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर ने 463 मैच खेले हैं, उनके रन हैं 18,426, इस समय नंबर वन पायदान पे हैं। पांचवें नंबर पर विराट कोहली हैं, जो इसी तरह खेलते रहे तो उनका क्रम और ऊपर आ जाएगा। जैसा कॉलम हम आपके लिए लाए हैं आप देख सकते हैं इसको, एवरेज सचिन तेंदुलकर का 44.83 है, 100 उन्होंने 49 कवर किए हैं, 50 उनकी 96 हैं, स्ट्राइक रेट है 86.23। चलिए मैच में देख लेते हैं, स्कोर बोर्ड की ओर एक नज़र कर लेते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ। स्कोर बोर्ड की बात करें तो आप देख रहे हैं इंडिया में रोहित शर्मा, अशरफ द्वारा कैच लिए गए, बोल्ड किए गए शादाब द्वारा 56 रनों पर। एस गिल कैच हुए सलमान द्वारा, बोल्ड अफरीदी द्वारा 58 रन पे। विराट कोहली ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली। KL राहुल नॉट आउट रहे। नो बॉल 1 रही, वाइट बॉल 8 रही। जैसा आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, एफ जमान 27 रन पे आउट हुए, इमामुल हक ने बनाए 9 रन, बाबर आजम जिनसे बहुत उम्मीदें थी इन्होंने बनाए मात्र 10 रन, एम रिजवान 2 रनों पे आउट हुए, ए सैमान आउट हुए 23 रन पे। इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों के एक विशाल रन से हरा दिया। क्रिकेट में सफलता के बाद G20 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मोदीज एमबीज ड्रॉ इंडिया सऊदी इनटू टाइटर स्ट्रेटजिक एम्बेरस। सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप मजबूत हुए हैं। द इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटजिक एम्बेरस गॉट टाइटेंड ऑन मंडे विद द टू साइड्स फोकसिंग ऑन डीपनिंग कोऑपरेशन इन एनर्जी ट्रेड डिफेंस सिक्योरिटी एज दे साइंड 8 एग्रीमेंट। देखिए 8 एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं इंडिया और सऊदी अरब में।
एट एग्रीमेंट पे। ठीक, पीएम नरेंद्र मोदी टोल्ड विजिटिंग क्राउन प्रिंस एंड पीएम मोहम्मद बिन सलमान दैट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिस्ट इन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने बताया ये आगे आने वाले समय में संपन्नता और तरक्की के लिए जो हमने समझौते किए हैं इस प्रकार से देश के विकास में सहायक होंगे। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द जी समिट, एमबीज हैड स्टेड बैक फॉर ए स्टे स्टेट विजिट ऑन मंडे, ड्यूरिंग विच द टू कंट्रीज ऑलमोस्ट अनाउंस्ड फॉर्मर्स ऑफ ए टास्क फोर्स टू चैनल इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया वर्थ 100 मिलियन। 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब रेडी हो गया है, विच द सऊदी अरब हैड अनाउंस्ड इन 2019 एंड हाफ ऑफ विच इज मीट फॉर द अपकमिंग रिफाइनरी। देख रहे हैं आप जैसा कि एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी, इन चार क्षेत्रों संबंधित 8 समझौते हुए हैं। नाउ इंडिया टू एक्सपोर्ट एनर्जी टू साउथ, अब देखिए इंडिया भी एक्सपोर्ट करेगा एनर्जी सऊदी अरब को। साथ ही हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे फेक न्यूज़ की ओर जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित होती है। अगर आपको किसी तरह का मैसेज कॉल आता है जॉब रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे, जो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें उदाहरण भी के तौर पे भी दिया गया है, ए यंग वुमेन फ्रॉम थाने पेड ओवर 5 लाख टू ए फ्रॉडर्स आफ्टर सीइंग ए लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक यंग वुमेन को जॉब ऑफर हुआ, उससे 5 लाख रुपये लिए भी गए। तो इस तरह से यदि आपको किसी कोई मैसेज आता है, तो ये नंबर जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, या जो जॉब सीकर्स हैं वो चेक सर कर सकते हैं, एक्सपर्ट आपको बताएंगे, उसकी वेरासिटी सही चेक करेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। ठीक, तो इस तरह से आप जॉब के लिए जो आपको फेक कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे हम। एमसीक्यू फॉर्म में है ये प्रश्न, हम इनको देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को अभी पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया, बी है, इम्पोर्टेंट है, 7 सितंबर याद रखिए। किस राज्य की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये उड़ीसा, उड़ीसा की रायगढ़ शॉल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शनल पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? यह डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को, बी ऑप्शन है, ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शनल पुरस्कारों में इनको शामिल किया गया है। और देख लेते हैं, हाल ही में फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है अनुष्का शर्मा को। हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? अदीब अहमद ने जीता है, बी, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में मालिनी रजूरकर का निधन हुआ, वे कौन थी? गायिका थी मालिनी रजूरकर। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी? ये बनी प्रवीणा अंजना सी। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? प्रयागराज पुलिस ने शुरू की है सवेरा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? कौन सा शहर है? बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आईएन सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? यह मिस्र। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम को मिला है कांस्य पदक। सी एशियाई टेबल टेनिस की चैंपियनशिप में। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में किसने दूर संचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? नीरज मित्तल ने संभाला है कार्यभार दूर संचार विभाग के सचिव के रूप में। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? 10% आरक्षण मिलेगा सरकारी स्कूलों के छात्रों को। इम्पोर्टेंट है ये। मेडिकल फील्ड में मेडिकल शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इम्पोर्टेंट है ये। फिर से पढ़ देते हैं। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। तो ये कुछ प्रश्न है एमसीक्यू के। इसके अलावा हमने आपको करंट अफेयर के, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें बताई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ।